अरे अभिराम एक बात बता, क्या हमको तो इस गांव के अलावा दूसरा कोई जानता ही नहीं है। ये बात तो है, वो कैसे जानेगा। और फिर ये घर घर जाकर लोगों से मांगना है? मतलब वोट मांगना, फिर ये भाषण देना, यार ये तो अपने बस की बात नहीं है। अभिराम एक काम करते हैं, अपन तो उक्का पीते हैं यार, ये चुनाव का जो आइडिया है ना यार, ये बेकार है यार, इसको छोड़। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, मेरे होते हुए आपको लोगों से वोट मांगने पड़े, ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं मांगूंगा वोट आपके लिए। मतलब तू वोट मांगेगा तो ये शर्म की बात होगी? नहीं नहीं नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मतलब नहीं, मैं ये नहीं, मेरे लिए वोट मांगेगा तो तेरे लिए शर्म की बात है? अरे नहीं, अरे तू इतना सा था तब से पाला तेरे को। अरे तो बोल रहा था क्या, आपने पाला है मेरे को? बात सुनो, मेरे पिताजी सौंप के गए थे, मालूम है मेरे को। और सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद वोट मांगोगे तो शर्म की बात है। अजी मैं हूँ ना आपका चमचा, मैं मांगूंगा आपके लिए वोट। अच्छा, मैं नेता और तू चमचा? मैं चमचा, तो चमचा वोट मांगेगा और नेता चुनाव जीतेगा। सही बात है ना? ये बात तो बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन यार वो भाषण भी तो देना पड़ेगा यार, उसको करना ही पड़ेगा, कोई बैठे बैठे थोड़ी चुनाव जीत जाओगे। अब यार मेरे से देख भाषण वाषण नहीं होता यार, तू तो एक काम कर यार, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं अपन चुनाव लड़ने का यार, अपन तो उक्का ही पीते हैं। चल गाड़ी, रुक तो जाओ, मैं चुनाव में भाषण कैसे दूंगा? अरे तसल्ली से सुनो, देखो भाषण आपको देना नहीं आता ना, हाँ तो ऐसा करते हैं, शुरू शुरू में भाषण में दे दूंगा, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए जब आप देना। अच्छा है ना? अच्छा भाषण भी तू दे देगा? भाषण में ही दे दूंगा। हाँ, मतलब लोगों से वोट भी तू ही मांग लेगा? हाँ, मैं ही मांग लूंगा। भाषण भी तू ही दे देगा? हाँ, जीत आप जाओगे बताओ। लेकिन यार रहने दे यार, अपन तो चुनाव नहीं लड़ते यार। अब क्या हो गया? अरे वो तेरी जो चाची है उसको कौन समझाएगा यार, वो तो चुनाव के नाम से भिदकती है। अरे सुनो तो सही, चाची की बात कर रहे हो क्या? हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छी है, उनको तो मैं संभाल लूंगा। मतलब तू उनको संभाल लेगा? हाँ, मतलब मैं जिंदा हूँ और तू चाची को संभाल लेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे तेरे को शर्म नहीं आती है अभी राम? अरे तेरे पिताजी मेरे को सौंप के गए थे। अरे हाँ, मैं इतना सा था, वो सौंप गए मेरे को। अरे समझो तो सही बात, मतलब ये है कि चाची आपसे नहीं समझेगी, मैं उनको समझा दूंगा सारी बात। अच्छा चुनाव के बारे में कह रहा है क्या? हाँ। मतलब मैं चुनाव लड़ लूंगा उसके लिए राजी कर लेगा? हाँ, मैं राजी कर लूंगा उनको। हाँ फिर ठीक है यार, ठीक है ना? देखो तो देख, अब तू भाषण भी लिख लेगा। हाँ, तू उन्हें वोट भी मांग लेगा। मांग लूंगा। और तू चाची को भी समझा देगा? समझा दूंगा। फिर तो यार मैं लड़ लूंगा चुनाव यार। लड़ लोगे ना? हाँ तो चलो, फिर चलो बेटे क्यों, चलो अब भी और क्या, शुभकामनाएं दे रही क्यों? अरे तो यार बावड़े, चुनाव तो 2 महीने के बाद है ना, तो 2 महीने बाद थोड़ी जाओगे। अरे आग लगेगी तभी कुआं खोदोगी क्या? प्रचार तो पहले करना पड़ता है। अच्छा प्रचार भी करना पड़ेगा और क्या? तो यार फिर तो रहने देते हैं, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं यार। तो सुनो तो सही, प्रचार तो मैं कर रहा हूँ ना आपका। अजी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो बस मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के खड़ा रहना बस। अच्छा खाली मेरे को मुस्कुरा के हाथ जोड़ना है? हाँ और क्या, उसकी तो प्रैक्टिस है यार, चाची के सामने यही तो करता हूँ मैं। अरे तो नेता लोग करते क्या है, मुस्कुरा के हाथ जोड़ते हैं। तो ठीक है यार, चुनाव लड़ना बहुत आसान है। बहुत ही आसान है, चलो चले पड़ो। हाँ चलो चलो चलो। अरे रुको रुको रुको, इन्हीं कपड़ों में जाओगे क्या, घर के कपड़ों में? क्या ये उतार के जाऊँ भाई? देखो आप अब नेता बनने वाले हो। अच्छा, कपड़े भी तो नेता जैसे होने चाहिए। नेता जैसे कपड़े कैसे होते हैं? मेरा मतलब आपको शेरवानी बेरवानी पहनो। देख यार मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा यार। क्यों? अरे एक बार पहनी थी यार, तेरी चाची गले पड़ गई यार। अरे दादाजी वो तो आप बुला बने थे जब। अरे तो मैं पछता रहा हूँ आज तक वो शेरवानी पहन के यार, अब मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। और देखो चाची जी, अब दूल्हे को तो शेरवानी पहननी पड़ती है, तो मैं किधर से दूल्हा हो गया यार? नहीं नहीं, पहले तो आप चाची के दूल्हे पड़े इसलिए शेरवानी पहनी, अब आप पूरे गांव के पूरे इलाके के दूल्हे पड़ोगे, नेता पड़ोगे। तो मतलब तू ये कहना चाहता है कि पूरे गांव की चाचियां मेरे गले पड़ जाएंगी? अरे मेरे कहने का मतलब ये पूरा गांव आपका हो जाएगा। अच्छा मतलब मेरे प्रभाव में आ जाएगा? हाँ? यार अभिराम यार ये तो बहुत अच्छी बात कही थी। तो फिर शेरवानी पहन लो। लेकिन यार मेरे पास तो शेरवानी है ही नहीं यार। अपन तो एक काम करते हैं यार, ड्रॉप करते हैं आइडिया। चाचा जी सुनो सही मेरी बात, शेरवानी अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में खरीद लेना। अभी तो मेरे पास जो शेरवानी है वो पहन लो। तेरी शेरवानी? हाँ मेरी शेरवानी। अरे यार तू तो बहुत ही अच्छा आदमी है यार। अरे फिर तो मैं यार बहुत दबंग तरीके से चुनाव लड़ूंगा। चलो बाप चलो, फिर जल्दी से आप मेरी शेरवानी पहन लो। तेरी शेरवानी अभी आपको शेरवानी देता हूँ। ये शेरवानी पहन लूं मैं? ये लो पहनता हूँ। पता कैसी लग रही है? फिट आई है आपके बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नेता लग रहे हो। ठीक है यार शेरवानी में यार फीलिंग अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अब चलो अपन चलते हैं, देखो तो सामने वाला गांव है ना। हाँ उसमें चलते हैं। हाँ चल चल गांव में यार, तू देख यार भाषण अच्छा देना यार। मैं बहुत अच्छा भाषण दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है तो फिर तैयार हो जा। चले अब देखो मैं भाषण देना शुरू कर रहा हूँ। सुनो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के नेता की तरह मुस्कुराते खड़े हो जाओ बस, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा। लेकिन यार एक बात बता यार, क्या यार तूने मुझे शेरवानी दी है यार? तो तू ऐप विराम है, तू ऐप करता यार, कहीं कोई लफड़े में नहीं फंस जाऊं मैं यार। अरे
शेरवानी थी ना, आपको कौन से लफड़े में फंसा रहा हूँ? अरे यार तू बहुत लफड़े करता, कहीं तेरी शेरवानी पहन के मैं लफड़े में फंस जाता हूँ? अरे नहीं नहीं अजी, मैं आपको लफड़े में थोड़ी फंसाऊंगा अजी, मैं आपसे बैर करूंगा क्या? पानी में रहकर मगर मुझसे बैर। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं मगरमच्छ हूँ? नहीं 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 नहीं, तू क्या कहना चाहता है? मैं मगरमच्छ हूँ मैं आप? अरे मैंने तेरे को इतना सा पाला है यार। मैं आपको मगरमच्छ नहीं कह रहा, मैं तो इस इलाके को पानी कह रहा हूँ। अच्छा, तू इलाके को पानी कह रहा है? हाँ, मेरे को मगरमच्छ नहीं कह रहा। नहीं कह रहा? फिर ठीक है, अब तू भाषण देना शुरू। मैं भाषण दे रहा हूँ, आप हाँ ये मैंने आज जोड़ी, लोगों की छुट्टी हो रही है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मैं भाषण दे रहा हूँ। हाँ तो भाई, हाँ और उनकी बहनों, ये है हमारे गांव के चचा बंदूक सिंह, पुत्र श्री तोप सिंह, इनके बेटे का नाम तमंचा। नमस्कार नमस्कार। क्या खानदान है? ये बहुत पैसे वाले, पर उनके 4 खेत हैं, 8 कुएं हैं, 16 ट्रैक्टर, 25 जीप, 64 ट्रक। ये करोड़ों खर्च करते हैं और लाखों कमाते हैं। ये हमेशा बैलगाड़ी में घूमते हैं, लेकिन उनके नौकर चाकर है ना, वो हवाई जहाज में सफर करते हैं। खुद भी जाते हैं, लेकिन इनके नौकर चाकर देसी घी खाते हैं। भाई और बहनों, घर के कोने कोने में रुपयों के ढेर लगे हैं, लेकिन एक बात सुनो, इन्होंने जो शेरवानी पहन रखी है वो मेरी है। अबे अभी राम इधर, फिर क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कमबख्त, आखिर तूने अपना ऐप दिखाई दिया ना? तो मैंने क्या किया था जी? अरे यार ये क्या कर दिया यार तूने? फिर क्या किया? तनी क्या क्या बोल रहा है? हाँ? करोड़ों खर्च करते हैं। हाँ? इसकी बड़ाई कर दी और फिर कहता है कि ये शेरवानी तेरी है। तो गलत क्या काम है ना जी, है किसकी? अरे तो बावड़े लोग क्या समझेंगे यार, जो आदमी शेरवानी तेरे जैसे आदमी से मांग के पहनता है, उसके घर में खाने को दाने भी नहीं होंगे। अरे ये सोचने की बात है यार, संभाल तेरी शेरवानी। मैंने तो पहले कहा था मेरे को चुनाव में लड़ना यार। अच्छा जी, आज एक बात समझ में आ गई। क्या? क्या आपका भी दिमाग चलता है? अरे तो चलता नहीं है क्या यार, ऐसे थोड़ी ना यार, तेरे को पाला है मैंने, तेरे पिताजी सौंप के गए थे मेरे को, मालूम है। तुम लोगों के सामने बेइज्जती कर रहा है? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, गलती से निकल गया जी। अब मैं ध्यान रखूंगा, मैं लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि शेरवाड़ी मेरी है। नहीं यार तू कह देगा यार। अरे मैं नहीं कहूंगा, अरे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा शेरवाड़ी मेरी है। ये तो क्या है कि आपकी कसम खा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन अब यार दूसरे गाँव में चलेंगे। दूसरे गाँव में? हाँ चलो, तो दूसरे गाँव में चलते हैं। हाँ चल चल। चाचा जी, अपन दूसरे गाँव में आ गए। यार तू ध्यान रखना यार, ये मत बोलना कि शेरवानी तेरी है। अरे नहीं बोलूंगा, आप तो हाथ जोड़ के मुस्कुराते खड़े हो। हाँ। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ। नमस्कार नमस्कार। हाँ। भाइयों और उनकी बहनों, ये हमारे गांव के चाचा बंदूक सिंह जी है, इनके पिता का नाम था तोप सिंह और इनके बेटे का नाम है तमंचा। बहुत पैसे वाले है, 4 खेत हैं इनके, 16 ट्रैक्टर, 64 ट्रक। ये भी कर रहे हो? अरे नहीं बोलूंगा शेरवानी के बारे में, चुप रहो आप। तो ये क्या करोड़ों खर्च करते हैं, लाखों कमाते हैं, अरे बैलगाड़ी में सफर करते हैं, नौकर चाकर हवाई जहाज में जाते हैं, अरे खुद ही खाते हैं और नौकर से ये भी खाते हैं, और इनके घर के कोने कोने में रुपयों के ढेर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जो शेरवानी पहन रखी है वो इनकी है। अरे अभी अरे अभी राम इधर आ। अरे क्या हो गया? अरे आप खेच रहे हो, क्या हो गया? तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा ना यार। अरे तो अब तो मैंने बिल्कुल सच बोला है, शेरवानी आपकी है, बता दिया ना। अरे तो यार इसका जिक्र करने की जरूरत क्या है यार? लोग क्या सोचेंगे यार कि शेरवानी का अलग से जिक्र क्यों हो रहा है? दाल में कुछ काला है मतलब? अरे यार मतलब क्या, अब ये तेरे जूते हैं ये मान ले मैं पहन लेता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये जूते इसके नहीं है मेरे हैं और मेरे नहीं है इसके हैं, ऐसा कहने की जरूरत क्या है यार? लोगों को समझ में आ जाता है यार, कोई ना कोई गड़बड़ है। नहीं नहीं बात बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या तेरी शेरवानी ले ले यार, मेरे को तो नहीं लगा। सुनो सर, मैं ध्यान रखूंगा, मैं शेरवानी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे नहीं यार तू बोल देगा यार। अरे नहीं नहीं आपकी कसम, तू यार समझता नहीं है यार, मैंने तेरे को इतने से पाला यार, देख तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। अब तू ये नहीं कहेगा कि शेरवानी है ना मेरी है या तेरी है यार, तू जिक्र मत करना यार। अरे मैं नहीं करूंगा, मैंने कह दिया ना मैं शेरवानी का जिक्र नहीं करूंगा। अब ठीक है, अपन तीसरे गाँव में चलेंगे अब यार। चलो चलो तीसरे गाँव में चलो। हाँ।